नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णदेव अपन नक्सल। दोस्तों, क्या हम सिर्फ एक इंसान है इस शरीर में? एक इंसान तो मैं थोड़ा सा एक आपको आपके सामने एक रेडिकल व्यू रखना चाहता हूं कि हम इसी शरीर के अंदर कम से कम दो इंसान हैं। दो हो सकता है, दो से ज्यादा हैं, लेकिन दो से कम तो नहीं है। अब आप कहोगे, यार कृष, अब तुम स्प्लिट पर्सनालिटी की बात करने जा रहे हो, स्किजोफ्रेनिया की बात करने जा रहे हो। कुछ लोगों को उस टाइप का पागलपन होता है कि वो कहते हैं कभी मैं गीता हूं और कभी मैं सीता हूं, सेम पर्सन सेम बॉडी, लेकिन सीता और गीता का कंफ्यूजन कर लेते हैं। वैसे नहीं, तो उसकी बात नहीं कर रहा हूं, स्किजोफ्रेनिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आम आदमी नॉर्मल इंसान की बात कर रहा हूं। तो नॉर्मल इंसान में दो होते हैं, आप पहचानते नहीं हो क्योंकि शायद आपने उतना सोचा नहीं है, शायद आपने उस बारीकी से देखा नहीं है, लेकिन दो हैं। आपको एक्सप्लेन करता हूं उन दो को कैसे पहचानना है, वहां से शुरुआत करते हैं। वैसे इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी बहुत है। आपको अगर लाइफ में सेटिस्फैक्शन चाहिए होता है, लाइफ में एक शांति चाहिए होता है कि आज मैंने कुछ अच्छा किया, आपको अपने आप से खुश होना पड़ता है, अपने आप में संतुष्ट रहना पड़ता है, तो संतुष्टि के लिए, सेटिस्फैक्शन कंटेंटमेंट के लिए ये समझना होगा कि आप दो हो एक नहीं हो। अब ये दो हो दो कौन से, मैं आप पहचानते नहीं हो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। एक को कहते हैं आई और दूसरे को कहते हैं मी। ओके, आई और मी, तो आई कौन है मी कौन है, इसी के अंदर आप साइकिल चलाने को सीखते हो ना। तो जब साइकिल चलाने को सीखते हो तो पहले पहले आपको कोई कुछ भी कहे, यार ऐसे मत कर, ऐसे मत कर, हैंडल को राइट में टर्न कर, लेफ्ट में टर्न मत कर, लेकिन फिर भी आपका हैंडल ऐसे हिल रहा है, काच 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 काच, न चाहते हुए आप कहीं ब्रेक मार देते हो, न चाहते हुए आप पेडल मारने को भूल जाते हो। कोई कह रहा है, चिल्ला रहा है, अरे पेडल मार, ब्रेक मार, ब्रेक मार, अरे तू बहुत फास्ट जा रहा है, अरे स्लो डाउन कर, लेकिन आप गिर जाते हो, बार बार गिरते हो, बार बार आपका बैलेंस चला जाता है। आपको जितना भी बताया जाए आप कर नहीं पाते हो, पेडल मार आप कर नहीं पाते हो। फिर एक पॉइंट आता है जहां पे आ गया, मुझे साइकिल चलाना आ गया, थोड़ा कम है अभी भी, हिलते डुलते आप निकल रहे हो, लेकिन 20 फुट 25 फुट 50 फुट 100 फुट आप चला लेते हो, फिर अचानक से आप लगता है अरे ये साइकिल चल रहा है, मैं चला रहा हूं, लेकिन ये कैसे हो रहा है, थोड़ा सा मैजिक जैसे फील करता है, अरे ये हो रहा है, और आप बहुत खुश हो जाते हो, अरे ये हो रहा है हो रहा है। फिर दोबारा गिर जाते हो, फिर सीखते हो कि एक दिन में सिर्फ आप दो बार गिरोगे बाकी साइकिल चला लोगे, और थोड़ा सीखते हो तो शायद एक दिन में एक भी बार नहीं गिरोगे। आपके पापा अगर पूछेंगे बेटा कितने बार गिरा आज, तो बोलोगे आज मैं गिरा ही नहीं, हर बार मैं साइकिल पे चढ़ा और साइकिल से उतरा और एक भी बार नहीं गिरा। और फिर करते करते वो नेचुरल हो जाता है, और फिर जब साइकिल चलाते हो तो आपको सोचना भी नहीं पड़ता है, आप कुछ और सोचते हुए साइकिल चला लेते हो। अब मेरा सवाल ये है, आप अगर कुछ और सोच रहे हो, किसी और चीज के बारे में सोच रहे हो और साइकिल चला रहे हो, तो साइकिल चला कौन रहा है? ऑब्वियसली आप ही चला रहे हो। तो आपके दो टुकड़े तो हो गए, एक जो कुछ और सोच रहा है, जो ऑफिस के काम के बारे में सोच रहा है कि घर पहुंचना है उसके बारे में सोच रहा है, या घर में यानी घर वाले क्या कहेंगे, किसी चीज से अच्छा रास्ते में किराना का सामान लेके जाना है, केले लेके जाने हैं, ये सब सोच रहे हो आप, और साइकिल भी चला रहे हो। अब ऑब्वियसली मैं जो कह रहा हूं साइकिल चलाने के बारे में, वो कार चलाने के बारे में भी सेम है, स्कूटर चलाने के बारे में भी सेम एक्सपीरियंस है, और सेम एक्सपीरियंस लिखने को सीखते हो तब, सेम एक्सपीरियंस है बोलने को सीखते हैं सब तब,
पहले आप बोलने को सीखते हो, आपको शायद याद भी नहीं होगा आप कब बोलने को सीखे। एक भाषा बोलने को सीखते हो तब आपको पूरा उसका व्याकरण याद रखना पड़ता है, ग्रामर। फिर बाद में आप छोड़ देते हो, आप तो बोल रहे हो। अब मैं जो बोल रहा हूं, मुझे क्या बोलना है वो मैं सोच रहा हूं, लेकिन मेरे शब्द अपने आप से मुंह से निकल रहे हैं। अपने आप से तो बोल कौन रहा है? मैं सोच रहा हूं कि मैं क्या बोलूंगा, बोल कौन रहा है? तो वही बोल रहा है जो साइकिल चलाता है, वही बोल रहा है जो स्कूटर और कार चलाता है, जिसको स्कूटर चलाना आता है, वही बोल रहा है जो अक्षर, मैं एक वर्ड सोचता हूं, ओके? तो मैं कहता हूं पीपल, तो पीपल में स्पेलिंग जो है, पीपल मैंने कह दिया पीपल, अगर लिखूं तो पीपल मैं लिख दूंगा, लेकिन मैं ये नहीं सोचता हूं पहले पी आएगा फिर ई ओ पी एल ई, स्पेलिंग ऑटोमेटिक हो गया है। पीपल बोल दूंगा, मेल फीमेल डॉग कैट ठाक 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 मैं लिख दूंगा, सी ए टी कैट, ये सोचूंगा ही नहीं। तो ये कौन है, ये कौन है? उसको हम कहते हैं मी, ठीक है? अब मी कौन है? मी आपका वो हिस्सा है जो काम करता है, जो आपका कोई भी काम करता है, लेकिन उसके क्रेडिट आप लेते हो। आप कहते हो आई डिड इट, नो आई डिडंट डू इट, मी डिड इट। जिस दिन आप साइकिल चलाने को भूल जाओगे ना, वैसे नॉर्मली होता नहीं है, लेकिन अगर पैरालिसिस स्ट्रोक आ गया, दिमाग में कहीं पे क्लॉट आ गया, तो लोग नॉर्मल काम करने को भूल जाते हैं। हाथ उठाने को कहेंगे तो कहेगा हाथ कैसे उठाऊं, कोई शब्द का स्पेलिंग, आपका नाम क्या है बोलेंगे, मेरा नाम क्या है, सोचने लगेंगे। हाँ, उसको बाकी सब समझ में आ रहा है, लेकिन मेरा नाम, नाम याद नहीं आ रहा है, उसका नाम क्या है याद नहीं आ रहा है। तो वो जो मी है, मी डैमेज हो गया है। तो आपको मैं दो हिस्से में बांट रहा हूं, आई एंड मी। अब समझ में आया, मी वो है जो हर एक काम करता है, जिसके लिए आपको यानी कि आई को क्रेडिट मिलता है। मी वो है जो सोचता है, जो सोचता नहीं, वो सोचता नहीं, वो करता है, वो सोचता नहीं, लेकिन वो एहसास करता है, वो महसूस करता है। मी वो है जो चलता है, मी वो है जो आप जब सोचते हो वो बोलता है, मी वो है जो किसी की यानी आप चाय पीते हो ना, चाय पीते हो तो चाय की चीनी और चाय का मजा जो लेता है ना, वो मी है। मी को मजा आता है, मी को अच्छा लगता है, या फिर मी को बुरा भी लगता है। अब कभी कभी क्या होता है, आई और मी में दूरी आ जाती है, थोड़ा बहुत आई को मी के ऊपर काबू करना पड़ता है। आई होप आप फॉलो कर रहे हो मैं जो कह रहा हूं। आई को मी के ऊपर काबू करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर सोच लेते हो कि मैं 500 मीटर दौड़ूंगा या 1 किलोमीटर दौड़ूंगा, दौड़ लगाओगे। अब जब पहले हाफ चढ़ती है, तकलीफ हो रही है, तकलीफ किसको हो रही है, मी को हो रही है। मी से आपके पास पहुंच रहा है कि अरे तकलीफ हो रही है, लेकिन आपको कंट्रोल रखना पड़ता है, नहीं अभी सिर्फ आधा किलोमीटर दौड़े हैं, 1 किलोमीटर का दौड़ पूरा करना है, तकलीफ हो रही है, बदन में जलन हो रही है, सीने में जलन हो रही है, सांस यानी लेना तकलीफ हो रहा है, मुश्किल है, फिर भी लेना पड़ेगा, फिर भी हाफते हाफते आपको पहुंचना पड़ेगा। तो आई मी के ऊपर काबू करता है, एक तरह से दबा, या क्या कहते हैं, दमन करता है, उसको दबाता है, वो कहता है नहीं, लगे रहो स्टैमिना। और जब वहां पे पहुंच जाते हो तब हा शांति, तब मी कहता है अरे यार, फिर अच्छा भी लगता है। किसको अच्छा लगता है? मी को अच्छा लगता है, हा मैंने अचीवमेंट किया, मैंने कुछ किया, मैंने 1 किलोमीटर दौड़ लिया। जो लोग स्पोर्ट्समैन बनते हैं, आई का मी के ऊपर सॉलिड कंट्रोल रहता है, वो कंट्रोल कर लेते हैं,
और कंट्रोल करते करते मी यूज्ड टू हो जाता है और वो कहता है फॉर एग्जांपल वेट ट्रेनिंग करते हो तो बदन बहुत जलेगा। जिम में जाके वेट ट्रेनिंग अगर करोगे तो बदन में जो मसल को वर्कआउट कर रहे हो वो जल रहा है। वो कह रहा है अरे यार नहीं, आप कह रहे हो वन मोर कम ऑन यू कैन डू इट। आप किसके साथ बात कर रहे हो? यू कैन डू इट मी के साथ बात कर रहे हो, करेक्ट? तो वो है आपका मी। अब वेयर एम आई गोइंग विद ऑल दिस? मैं ये सब आई एंड मी का क्यों विभाजन कर रहा हूं, क्यों ये बाल की खाल उखाड़ रहा हूं? मैं आपको अभी समझाता हूं कि आई एंड मी का सिग्निफिकेंस क्या है आपके लाइफ में। कभी कभी मी को बहुत गुस्सा आता है या बहुत दुख लगता है, सोशल सिचुएशंस में भी। नॉर्मल सोशल सिचुएशन में फॉर एग्जांपल आप ऑफिस में बैठे हो, ऑफिस का मीटिंग चल रहा है, सब लोग बात कर रहे हैं तो सरफेस पे एक बात हो रही है। कभी आपने कुछ कहा, आपके बॉस ने काट दिया, दोबारा आपने कुछ कहा, आपके बॉस ने काट दिया, और एक बार कहा, आपके बॉस ने काट दिया, और किसी और की प्रशंसा कर रहा है सेम बॉस। वो कह रहा है राजेश तुमने जो कल काम किया था वो बहुत सही किया। आप कह रहे हो सर लेकिन, और आप कहना चाहते हो सर मैंने वो काम किया है, वो काम मेरा था, इसको आप श्रेय दे रहे हो, दर्द मुझे हो रहा है, श्रेय क्यों उसको दे रहे हो? आप कहना चाहते हो, कभी कभी कह भी नहीं सकते, ऑफिस में ऐसे कैसे कहेंगे सर सॉरी उसने काम नहीं किया था, काम मेरा था। कहना मुश्किल है सर आप गलत हो, कहना बहुत मुश्किल पड़ता है। लेकिन अंदर से मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, रो रहा है, मुझे छोड़ो, मैं कुछ करना चाहता हूं, मुझे छोड़ो, मुझे कुछ कहना है, अंदर से फूट रहा है। तो आई एंड मी का विभाजन हो गया है यहां पे। आई कहता है बेटा कंट्रोल, वो मूवी है ना वेलकम, उसमें कंट्रोल उदय, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, तो कंट्रोल कौन कर रहा है? आई कर रहा है। उदय उदय मी है, वो इंसान को दरिया में फेंकना चाहता है या उसके हाथ पांव तोड़ना चाहता है, तो वो मी है। तो कंट्रोल उदय कंट्रोल वाला सिचुएशन, आप उस सिचुएशन में आ गए हो। आप कहते हो मैं काबू नहीं छोड़ूंगा, मुझे सिचुएशन पे काबू रखना है, मैंने अगर यहां पे गुस्सा दिखाया, कुछ भी किया, गुस्ताखी की, तो मेरी नौकरी जाएगी। तो आप अपने आप को कंट्रोल में रखते हो, मैं नहीं छोड़ूंगा। आप अपने आप को कंट्रोल में रखते हो, विभाजन देख रहे हो? आई मी को कंट्रोल में रखता है, मी कंट्रोल से छूटना चाहता है। अब आप बाहर निकलते हो, मीटिंग खत्म हो गया, वो जो भी राजेश था उसकी बहुत प्रशंसा हुई, आपका सटली किरकिरा हो रहा था, आपका इंसल्ट हो रहा था, आपके साथ पॉलिटिक्स खेला जा रहा था, आप जानते हो खून खौल रहा है अंदर से, स्ट्रेस, स्ट्रेस जिसे कहते हो ना आप, ये स्ट्रेस है। आपको पता है गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, फिर रोज आप ऑफिस में जाते हो, उसी ऑफिस में जाते हो, उन्हीं लोगों के साथ में बैठ रहे हो। आपको पता है कि जिस चीज के लिए आपको श्रेय मिलना चाहिए आपको श्रेय नहीं मिल रहा है, क्रेडिट नहीं मिल रहा है, आपको रोज गुस्सा आ रहा है, रोज गुस्सा आ रहा है, हर क्षण गुस्सा आ रहा है, आपके बॉस पे गुस्सा आ रहा है, आपके कलीग्स पे गुस्सा आ रहा है जो हल्के हल्के से झूठ बोलते हैं, बड़े झूठ नहीं बोलते, छोटे छोटे झूठ बोलते हैं, जो नहीं है जो तथ्य नहीं है वो या तो वो बोल देते हैं या फिर कोई और बोलता है तो वो चुप रहते हैं, कोई करेक्ट नहीं करता है सिचुएशन को, सिचुएशन डिस्टॉर्ट होते जा रहा है। आपको दिख रहा है कि मेरे हाथ से मेरी नौकरी फिसल रही है या मेरा प्रमोशन फिसल रहा है, आप इतना टेंशन में हो, इतना टेंशन में हो, लेकिन वो सब अंदर, बाहर बाहर आप नॉर्मल हो। चल यार बाहर चल सिगरेट फूंकते हैं, बाहर खड़े रहकर सिगरेट फूंक रहे हो,
ट्राई कर रहे हो टेंशन उतारने को, ट्राई कर रहे हो अपने सिचुएशन को कंट्रोल करने को, लेकिन आपका मी चिल्ला चिल्ला के कह रहा है भाई कुछ कर कुछ कर। ये सिचुएशन में आप खतरे में हो, क्योंकि आपका मी और आपका आई अलाइनमेंट में नहीं है, एक साथ नहीं है। लोग हमेशा मुझे क्रिटिसाइज करते हैं और कहते हैं क्रिश तू यार प्रॉब्लम की बात करता है सॉल्यूशन की बात नहीं करता है। चलो सॉल्यूशन की बात करते हैं। कुछ सिचुएशंस में सॉल्यूशंस होते हैं, हर एक सिचुएशन में सॉल्यूशन नहीं होता है। तो सिचुएशन ऐसे, अगर मैं आपको एक इमेजिनरी सिचुएशन दे रहा हूं लेकिन वहां पे सॉल्यूशन हो सकता है, सॉल्यूशन ये हो सकता है, एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि आप अपने बॉस के पास चले जाओ और कह दो सर मैं आपके सामने एक बात क्लियर रखना चाहता हूं, ये रिकॉर्ड्स देखें, ये रिकॉर्ड्स, ये सब जो लिखा हुआ है, ये एक्सेल शीट, ये पावर पॉइंट, हाँ तो इसके बारे में क्या है। तो आपको अपना बॉस का मूड भी संभालना होगा, लेकिन आप संभालते हो, केयरफुली समझाते हो और आखिर उस बात को दिमाग में डाल देते हो कि ये काम, ये सब काम आपने किया है, राजेश ने नहीं किया है। अब शायद आपका बॉस आपको सॉरी नहीं कहेगा, और ये भी हो सकता है कि आपका बॉस जानबूझ के राजेश के साथ फेवरेटिज्म कर रहा है और आपकी बजा रहा है और उसको मजा आ रहा है, और जैसे आप उसके सामने अपना दुख दर्द बयान कर रहे हो, दिखा रहे हो कि यहां पे मुझे दर्द हो रहा है, तो उसको बजाने का और भी मजा आ रहा है कि साला अच्छा मैं बजा रहा हूं और तुझे दर्द हो रहा है ना, चल और जोर से बजाऊंगा। पॉसिबल है, ऐसे हो सकता है। ऐसे भी हो सकता है कि आपके बॉस की गलतफहमी थी, ऐसे भी हो सकता है कि आपके बॉस ने आपका बजाया लेकिन अब वो शर्मिंदा हो रहे हैं और थोड़ा सा अगली बार जब मीटिंग होगा तो वो राजेश को थोड़ा सा कट डाउन टू साइज करेंगे और हो सकता है कि आपको थोड़ा सा बढ़ाएंगे, हो सकता है, जरूरी नहीं है। हो सकता है कि बहुत ही फेयर माइंडेड इंसान हो आपका बॉस और आपने कह दिया और अरे यार मुझे लगा था कि राजेश ने ये सब किया था, उसने मुझे बताया ही नहीं। शायद आपके बॉस ऐसे बोल भी दे, हो सकता है। हो सकता है कि कल तक राजेश उनका फेवरेट था लेकिन किसी और कारण से, विच हैज नथिंग टू डू विथ यू, आज के तारीख में जब आपने वो बात छेड़ा तो आपके बॉस राजेश से खफा है, वो इरिटेटेड है राजेश के ऊपर, और हो सकता है कि वो इरिटेशन के चलते आपके कहने से चलते नहीं लेकिन इरिटेशन होने की वजह से वो राजेश को कट डाउन टू साइज कर देते हैं और आपको बूस्ट कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको पूरा का पूरा प्रमोशन मिल जाएगा, लेकिन जब आप बाहर निकलते हो तो इक्वेशन बदल चुका है, आप खुश, आप फ्री हो और आपके अंदर का जो मी है वो कह रहा है यार अच्छा किया बेटा तूने, अच्छा किया तूने, आखिर में कुछ किया, यानी मुझे लग रहा था कि तुम कुछ नहीं करोगे, ऐसे ही सहते रहोगे और अंदर से मैं चीखते चिल्लाते रहूंगा, लेकिन तूने कुछ किया, तूने मेरी बात सुन ली, थैंक यू, धन्यवाद, और आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है। अब ये टाइप से आप अगर मी को पहचानते हो तो आप डील कर सकते हो। दूसरी बात, ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया। दूसरा एग्जाम्पल ये हो सकता है कि आप अच्छे आदमी दिखना चाहते हो अपनी फैमिली की नजरों में, अपने फ्रेंड्स की नजरों में, अपनी पत्नी की नजरों में, सबके नजरों में, जस्ट जनरल। तो फॉर एग्जाम्पल मी की सुनते नहीं हो, मी कह रहा है चल यार एक काम करते हैं, हम ये काम करते हैं, चल उधर जाते हैं, इधर घूमने जाते हैं, पिक्चर देखने जाते हैं, ओके, या वॉक के लिए जाते हैं, या चिल मारते हैं, कहीं जाके चिल मारते हैं, दोस्त से मिलकर आते हैं। आपका मी ऐसे सब कह रहा है लेकिन आपकी पत्नी कह रही है अरे आपको पता है लता के बेटे की शादी हो रही है, चलिए शादी में। अब आपकी पत्नी ने कह दिया शादी हो रही है चलिए शादी में, आप लता को जानते नहीं हो, लता से आपका कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है,
और ऐसे भी नहीं है कि आपकी पत्नी को खुश रखना जरूरी है। अब पब्लिक मेरे ऊपर बहुत नाराज होने वाली है, खास करके औरतें। पत्नी को तो हर हाल में खुश रखना चाहिए, माँ बाप को हर हाल में खुश रखना चाहिए। तो मेरा जवाब है नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। वो हर हाल में खुश रखना चाहिए वाला फंडा जो है ना, उससे हम अपने आप को बहुत मार देते हैं। आपको हर हाल में मी को खुश रखना चाहिए, मी इज नंबर वन। तो आप, हो सकता है कि आप अपनी पत्नी से कहोगे एक काम कर यार, तो ये लता की शादी है ना, तू जाके आ। नहीं नहीं, तुम मेरे पास, मेरे साथ चलो, आपके पास बहाने कोई भी नहीं है। अगर आप बहानेबाजी में चले जाओगे तो आपकी पत्नी आपको हरा देगी, आपको डिफीट कर देगी, क्योंकि वो आपके हर बहाने का एक काट जानती है। शी नोज द सोल्यूशन, वो आर्ग्यू कर सकती है। वो आप बहानेबाजी छोड़ के नंगे अगर हो जाओगे और कहोगे देखो लता के बेटे की शादी मुझे किसी तरह का, मेरे लिए कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, मी की बात कर रहा हूं, आपको ये आई और मी समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप कह सकते हो मेरे हिसाब से लता के बेटे की शादी में मेरा कोई जरूरत नहीं है, मेरी कोई जरूरत नहीं है, मैं नहीं रहूंगा तो वो मुझे मिस नहीं करेंगे, तुम अपने फ्रेंड्स के साथ चले जाओ या अकेली चले जाओ, मैं ड्राइव नहीं करूंगा, तुम रिक्शा पकड़ के चले जाओ या ओला उबर बुला के अपने अच्छे से कपड़े पहन के चले जाओ, जाओ देखो कैसा है शादी, एंजॉय द शादी, लेकिन काउंट मी आउट, क्योंकि मैं कुछ और करना चाहता हूं और मैं वो करूंगा, क्योंकि मेरे पास अपने लिए समय नहीं मिलता है। और फिर मैं आर्ग्यू नहीं करना चाहता हूं इसके बारे में, दिस इज माई फाइनल वर्ड। तो ऐसे भी करके आप मी की सुन सकते हो और मी को खुश कर सकते हो। अब कुछ लोग कहेंगे क्रिश दिस इज असर्टिवनेस ट्रेनिंग, आप उसे असर्टिवनेस ट्रेनिंग कह सकते हो। मैं तो बहुत सिंपल कहता हूं कि आप अपनी मी का ख्याल रखो, मी को खुश रखो, मी की सुनो, मी के साथ कनेक्ट करो। आप अगर बहुत ज्यादा डिस्कनेक्टेड हो जाते हो ना मी से, तो फिर वो मी आपका साथ छोड़ देता है, आप हमेशा स्ट्रेस में रहते हो, या फिर आपका मी बोलता है तू बेटा यार तू भाड़ में जाना है यार, तेरे से मुझे कुछ उम्मीद ही नहीं है, कोई एंजॉयमेंट नहीं है लाइफ में, आपके अंदर वो सेंस आ जाता है कोई एंजॉयमेंट नहीं है लाइफ में, मैं जी रहा हूं तो क्यों जी रहा हूं यार, इस जीने को जीना भी कहते हैं क्या, ये क्या है, ये मेरा लाइफ क्या है, उस तरह से अपने ऊपर एक दया आ जाती है, या दया भी नहीं आती है, डिस्गस्ट आ जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं मी के साथ कनेक्ट हो जाओ, मी की सुनो। मैं हूं आपका दोस्त कृष्णी अर्बन नक्सल, जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।